अरे हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी तिन को स्वरूप जान राग ते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को चाहिए धन धन तिन ते काज सब आज भय कर जोड़े वार वार वंदना मंगल कल्याण सुख सो हम चार ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के प्रमुख शिष्य उमा स्वामी आचार्य द्वारा लिखित तत्वार सूत्र और उस तत्वार सूत्र ग्रंथ पर बहुत सी टीकाएँ भी लिखी गई अनगिनती टीकाएँ वर्तमान में तत्वार सूत्र महाशास्त्र के ऊपर उपलब्ध हैं। उस महान ग्रंथ तत्वार सूत्र के ऊपर समंत भद्र आचार्य ने भी एक टीका लिखी। वो टीका गंधहस्ती महाभाष्य के नाम से ऐतिहासिक साक्ष्यों से जानी जाती है। प्रामाणिक है कि समंत भद्राचार्य देव ने एक रचना लिखी थी तत्वार सूत्र की टीका जिसका नाम था गंध हस्ती महाभाष्य। बहुत विशाल वो टीका होगी। उस टीका में कितना विस्तार होगा कितना वर्णन होगा ये हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं सिर्फ इस बात से कि वो टीका उपलब्ध न होते हुए भी उस टीका का मंगलाचरण उपलब्ध है या हम यह कह सकते हैं कि तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण पर जो उन्होंने व्याख्या लिखी थी किसने समंत भद्राचार्य तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण पर वो मंगलाचरण की व्याख्या उपलब्ध है क्या पूरे तत्वार सूत्र की व्याख्या अवेलेबल नहीं है वो गंधहस्ती महाभाष्य। अब मंगलाचरण की जो व्याख्या है वो व्याख्या है आप्त मीमांसा नामक ग्रंथ वो मंगलाचरण की व्याख्या ग्रंथ हो गया। अब आप सोचो यदि वो पूरी टीका होती तो वो कितनी विशाल होती। ये समंत भद्राचार्य के ये जो आप्त मीमांसा जिसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र भी है इसके श्लोकों की चर्चा तो हम कुछ दिनों बाद में करेंगे जब इस तत्वज्ञान पाठमाला का भाग दो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक पाठ चार अभाव ये दिया है समंत भद्राचार्य के द्वारा चार अभाव वाला पाठ बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा है। इससे पहले हम चर्चा पांच भाव की कर चुके हैं बीच बीच में गैप हो जाता है मथुरा और मंगलायतन का एक बहुत फास्ट दौरा हमारे द्वारा हुआ और उस दौरे में भी हमने थोड़ी बहुत चर्चाएं की है आयोजन भी बहुत सुंदर रहा। मथुरा 84 में भी श्रवण ज्ञान भारती जो वहाँ एक विद्यालय चलता है वहाँ के विद्वानों के बीच में चर्चा हुई और मंगलायतन में भी हमने चर्चा की थी। लेकिन ये जो गैप हो जाता है ना तो इस गैप से वो विषय टूट जाता है वो धारा बनती नहीं है। और कल दिन में हमारा एक सेमिनार है
मद्रास यूनिवर्सिटी में, तो आज रात को जाएंगे, कल रात को वापस आएंगे, 2 घंटे वहाँ 5 समवाय पर बोलना है, तो फिर 1 दिन का गैप होगा कल का। इसलिए 4 अभाव की चर्चा जो आगे प्रसंग प्राप्त है वो चर्चा न करके, क्योंकि उसमें व्यवधान न पड़े, वो चर्चा धारावाहिक रूप से संलग्न जानने पढ़ने को मिले और उसका अभ्यास बना रहे, इस दृष्टि से हम आज थोड़ी चर्चा तो सामंत भद्राचार्य के संबंध में करते हैं और कुछ बातें ये 5 भावों के संदर्भ में भी करेंगे। सामंत भद्राचार्य ये भी व्यक्तित्व हैं जिनका नाम आज दिगंबर जैन परंपरा में सच में परिचय का मोहताज तो नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण इनकी एक ऐसी रचना जो रचना पूरे देश में और दुनिया में जिसने तहलका मचाया हुआ है, उसका नाम है रत्नकरण श्रावकाचार्य। थोड़ा बहुत भी जैन धर्म दर्शन को जानने वाला व्यक्ति हो और वो रत्नकरण श्रावकाचार्य के नाम से अपरिचित हो, ये बात जचती नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती। माने हर व्यक्ति ने रत्नकरण श्रावकाचार्य का नाम सुना है, क्यों नहीं सुने? श्रावकों के रत्नों का करंड है वो रत्नकरण श्रावकाचार्य। बहुत सुंदर रीति से जैनियों का जीवन कैसा होना चाहिए, श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका बहुत सुंदर वर्णन सामंत भद्राचार्य ने किया है। ये वे सामंत भद्राचार्य हैं जो न्याय शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे, और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैन न्याय यदि कहीं से प्रारंभ हुआ है एक सुव्यवस्थित रीति से लेखन पद्धति रूप से, तो उसमें सामंत भद्राचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, जैन न्याय के संस्थापक सामंत भद्राचार्य को हम कह सकते हैं। इनके संदर्भ में बहुत तरह की बातें हैं, सामंत भद्राचार्य के संदर्भ में इतनी बातें मेरे दिमाग में सामंत भद्राचार्य के संबंध में घूम रही है जिनको बतलाने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो ये वो व्यक्तित्व हैं जिनका नाम आगामी 24वें 23वें तीर्थंकर के रूप में भी स्मरण किया जाता है। 24 तीर्थंकर होते हैं ना, 24 तीर्थंकर वर्तमान में तो हो चुके हैं। कौन कौन हुए हैं? आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक 24 हो चुके, अभी हुए हैं, जो वर्तमान 24 ही कहलाती है। ऐसे ही 24 तीर्थंकर भूतकाल में भी हुए, और ऐसे ही 24 तीर्थंकर भविष्य में पुनः होंगे। भविष्य में होने वाले जो 24 तीर्थंकर होंगे, जो भविष्य में, उन 24 तीर्थंकरों में से 23वें तीर्थंकर का नाम है दिव्यवाद। 23वें तीर्थंकर का नाम, अनेक जगह पर हमने त्रिकाल 24 के दर्शन किए हैं, समय शिखर जी में किए हैं, पपोरा जी में किए हैं, आर जी में किए हैं, बहुत स्थानों पर त्रिकाल 24 बनी हुई है, तो उनमें हस्तिनापुर में भी है, सोनागिर जी में भी है, हमने दर्शन किए 3 काल की 24 के, तो उनमें जब 23वें तीर्थंकर की प्रतिमा दिव्यवाद उनके लिए जब हम अर्घ समर्पित करते हैं, वंदन करते हैं, तो वे कोई और नहीं हैं, वे हैं सामंत भद्र आचार्य का जीव, वो 23वां तीर्थंकर बनेगा। कितने बड़े गौरव की बात है, एक ऐसे व्यक्तित्व जो वर्तमान इस पंचम काल के महान समर्थ आचार्य तो हुए ही,
वे भविष्यकालीन 24 में तीर्थंकर के रूप में भी बनने वाले हैं। ये वे महान व्यक्तित्व समंत भद्राचार्य देव हैं। न्याय के लिए जब ये विचरण करते थे, वो जमाना ऐसा था, उस जमाने में जब ये विचरण करते थे तो अनेक वादी प्रतिवादियों के वादियों के वाद का, माने वो जमाना इस तरह का था, जब ललकारा जाता था अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए, दूसरे की बातों का खंडन करने के लिए, खंडन मंडन की पद्धति चला करती थी। जानते हैं क्या, किसी व्यक्ति ने कोई बात कही कि साहब धर्म तो ऐसा होता है, तो दूसरे ने उसका खंडन किया कि नहीं ऐसा नहीं होता, फिर उसने कहा कि ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा ही होना चाहिए, ये धर्म होना चाहिए, फिर उसने कहा नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ये इस तरह की एक वाद विवाद की परंपरा खुले मैदान में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, बड़ी बड़ी सभाएं लगा करती थी, और उनमें ये समंत भद्राचार्य देव, इन आचार्य देव ने जैन दर्शन की ध्वजा पताका को फहराने का बहुत जबरदस्त काम किया है। माने जैन शासन जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, और जहाँ बड़े बड़े अन्य मत के ग्रंथों में भी जहाँ आपको जैन धर्म की प्राचीनता के उल्लेख और प्रमाण मिलते हैं, तो उसमें समंत भद्राचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए कुछ पंक्तियां मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, एक घटना वो भी आपको यहाँ सुनाऊंगा। कौन सी? बनारस का जो मंदिर है, वो समंत भद्राचार्य के जीवन में घटी हुई घटना है। चलिए कुछ व्यक्तित्व कर्तृत्व की बातें यहाँ से हम इनके संबंध में पढ़ लेते हैं। पाठ 7 चार अभाव, आचार्य समंत भद्र व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। श्री मूल संघ व्योमेन्दुर भारते भावी तीर्थ कृत देशे समंत भद्राख्यो मुनिर्जियात पदर्थ के। क्या कह रहे हैं कवि हस्ती मल जी द्वारा लिखा गया यह संस्कृत का श्लोक, जिसमें भावी तीर्थ कृत शब्द का प्रयोग ये समंत भद्राचार्य के लिए हुआ है। भावी तीर्थ कृत माने ये समंत भद्र, और नीचे वाली पंक्ति में समंत भद्राख्यो, समंत भद्र ये भावी तीर्थंकर होने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है इन्होंने नीचे इनके परिचय के संबंध में। लोकेशना से दूर रहने वाले स्वामी समंत भद्र का जीवन चरित्र एक तरह से अज्ञात ही है, पता नहीं है बहुत ज्यादा इनके बारे में। जैनाचार्यों की ये विशेषता रही है कि महान से महान कार्यों को करने के बाद भी उन्होंने अपने लौकिक जीवन के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है, और जो कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त है वह पर्याप्त नहीं है। ये ऐसे महान आचार्य, एक से एक दिग्गज आचार्य हुए। नाम देखो तो नाम नहीं मिलता, बड़े बड़े ग्रंथ लिखने के बाद, शास्त्र लिखने के बाद भी ये वीतरागी संत अंतिम में ऐसा लिखते हैं, स्वरूप गुप्तस्य न किंचित अस्ति कर्तव्य में अमृत चंद्र सूर्य। क्या माने ये अमृत चंद्र सूरी कहते हैं कि ये जो ग्रंथ लिख रहे हैं इनमें हमारा कुछ कर्तृत्व नहीं है। अभी अभी पढ़ा करके आया हूं मैं वहां, इसलिए ये पंक्ति मैंने बोली है आपको। अभी ये समंत भद्र जैसे आचार्य बड़े बड़े काम कर दिए, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, और उसके बावजूद कहीं ये लिखना उचित नहीं समझा कि हम कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ लिखे, बाल्यकाल कहाँ बीता, क्या हुआ। ये तो दूसरों ने इन आचार्यों के बारे में कुछ लिख दिया हो तो लिख दिया, कुछ उपलब्ध नहीं होता ज्यादा, फिर भी क्या मिलता है। आप कदम्ब वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे, राजकुमार थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे, किसी गांव में ऐसे ही कहीं रहते हो ऐसा नहीं। कदम्ब वंश क्षत्रिय राजकुमार, आपके बाल्यकाल का नाम शांति वर्मा था, जैन नहीं थे। जैन हम लोग क्षत्रिय हैं क्या सोनी? आप काहे के क्षत्रिय हैं? क्षत्रिय जैसा पौरुष कहाँ है, वास्तव में वे
क्षत्रिय थे, शांति वर्मा उनके बचपन का नाम था। जन्म दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर स्थित उरगपुर नामक नगर में हुआ था और आपका अस्तित्व विक्रम संवत 138 तक था। दो तीन बातें समंत भद्राचार्य के संदर्भ में जो उपलब्ध हो सकती थी वो यहाँ मिली हैं हमारे को। बाल्यावस्था का नाम क्या था? शांति वर्मा। कहाँ के रहने वाले थे? उरगपुर, उरगपुर गांव, कावेरी नदी के किनारे। और कौन सा राजवंश? कदम्ब, कदम्ब राजवंश के क्षत्रिय राजकुमार। और इनका काल कितना है? विक्रम संवत कितना? 138 तक इनका जीवन रहा। इसका मतलब समझ लीजिए आप, यदि 50-60 वर्ष यदि ये जीवित रहे होंगे, इतना लंबा काल तो होगा ही, 60-70 वर्ष भी हो सकता है, 80 वर्ष भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग विक्रम संवत की यदि हम बात करें तो 77-78 के आसपास, 75-76, 77-78 के आसपास हो सकता है आपका जन्म हुआ हो। 60-65 के आसपास आपका जन्म हुआ होगा विक्रम संवत। अभी चल रहा है 2074, तो 2074 में से 74 भी घटा लो तो 2000 साल पुराना इनका काल है समंत भद्राचार्य का। माने समंत भद्र स्वामी 2000 साल पहले हुए हैं पूरे पूरे। बहुत मोटा मोटा गणित अपने को ख्याल में आ रहा है कि समंत भद्राचार्य कितने पुराने आचार्य हैं। आपके पारिवारिक जीवन के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है? क्या बताएं आपको, आपके परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में? माता पिता का नाम बता दो कुछ, पत्नी का नाम बता दो, परिवार का बतला दो, बच्चे हो कुछ हो। आपने अल्प वय में ही मुनि दीक्षा धारण कर ली थी, दिगंबर जैन साधु होकर आपने घोर तपश्चरण किया और अगाध ज्ञान प्राप्त किया। घोर तपश्चरण भी और अगाध ज्ञान भी प्राप्त किया। आप जैन सिद्धांत के तो अगाध मर्मज्ञ थे ही, साथ ही तर्क, न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य और कोश के भी पंडित थे। कितनी 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 भाषा वाली, देखो आप शब्दावली कैसी प्रयोग की है। तर्क, न्याय, छंद, व्याकरण, अलंकार, काव्य, कोश सबके पंडित थे। आप में बेजोड़ वाद शक्ति थी। आपने कई बार घूम घूम कर कुवादियों का गर्व खंडित किया था। आप स्वयं लिखते हैं, कुवादियों का गर्व खंडित किया था मतलब उनकी द्वारा चलाई जा रही गलत बातों का खंडन किया, उसका निषेध किया। घूमते थे और क्या लिखते हैं देखो स्वयं, वादार्थी विचराम्यहम नरपते शार्दूल विक्रीडितम। मैं शेर की तरह विचरण कर रहा हूं, वादार्थी विचराम्यहम नरपते। राजाओं के राज दरबार में जा जा करके ऐसी पंक्तियां कहते थे, हे राजन मैं वाद के लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूं, जिसमें हिम्मत हो वो मेरे सामने आए और मेरे तर्कों का सामना करे, अपनी बात प्रस्तुत करे, मैं सिंह की तरह सामने वाले की बातों का खंडन कर दूंगा, मदमर्दन कर दूंगा। ये ऐसा इनके वचन थे। इसमें गर्व नहीं है, घमंड नहीं है, लेकिन जो जैन शासन है उस जैन शासन की इतनी गरिमा है और इतनी सामर्थ्य है कि समझ लीजिए आप कि उसके आगे अन्य मतावलंबियों के वो जो खोटे थोथले तर्क हैं वे टिक नहीं सकते। उनकी बातों को उठा उठा करके और जो तर्कों के माध्यम से उनका खंडन किया है, ये बहुत बड़ा काम समंत भद्राचार्य के माध्यम से हुआ है। सिंह, सिंह, सिंह की तरह लिखा नीचे, शार्दूल विक्रीडितम, नीचे अर्थ लिखा ना, हे राजन वादार्थी विचराम्यहम, वाद के लिए मैं विचरण, विचर विचरण विचर अहम्यहम, विचरामी विचरामी अहम, विचरामी विचरण करता हूं, अहम मैं, वादार्थी विचरामी अहम, मैं वाद के लिए विचरण करता हूं नरपते, हे राजन शार्दूल विक्रीडितम, सिंह के समान। आपके परवर्ती आचार्यों ने भी आपका स्मरण बड़े सम्मान के साथ किया है। आचार्य जिनसेन ने
आदि पुराण में आपके वचनों को कुवादी रूपी पर्वतों को छिन्न भिन्न करने के लिए वज्र के समान बताया है। कोटेवादी मिथ्यावादी और रूपी पर्वत को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आपके जो वचन है ये कैसे हैं? वज्र के समान हैं। आपको कवि वादी गमक वाग्मियों का चूड़ामणि कहा गया है। किसने कहा है ये सब वचन? कह रहे हैं जिन सेनाचार्य, उन्होंने अपने ग्रंथ में आदि पुराण में आपके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। नमः समंत भद्राय महते कवि वेद से यद वचो वज्र पाते निर्भिन्ना कुमताद्रय कवीनाम गम कानाम च वादिनाम वाग्मिनामपि यश समंत भद्रीयम् मूर्धनी चूड़ामणीयते। गद्य चिंतामणिकार वादीब सिंह सूरी लिखते हैं आपके संदर्भ में, सरस्वती स्वरै विहार भूमियः समंत भद्र प्रमुखा मुनीश्वराः जयंती वाग वज्र निपात पाटी प्रतिपराद धांत महीध्रकूट। यह क्या कह रहे हैं? और देखो, चंद्र प्रभु चरित्रकार वीर नंदी आचार्य समंत भद्रादि भवाच भारती से कंठ विभूषित नरोत्तमों की प्रशंसा करते हैं और आचार्य शुभचंद्र ज्ञानारण्य में इनके वचनों को अज्ञान अंधकार के नाश हेतु सूर्य के समान स्वीकार करते हुए इनकी तुलना में औरों को खद्योतवत बताते हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, ये जो अन्य जितने तारे आदि है ना, क्या जुगनू के समान चमकते क्या है उनमें? आप जैसे सूर्य के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। समंत भद्रादि कविन्द्र भास्वताम स्फुरन्ति यत्रामल सूक्ति रश्मयः वज्रन्ति खद्योत वदेव हास्यताम न तत्र किम ज्ञान लवोद्धता जनाः। क्या कह रहे हैं? आप आद्य स्तुतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं समंत भद्राचार्य। आद्य स्तुति का स्तुतियां जानते, जितनी स्तुतियां बोलते हैं अपन, प्रभु पतित पावन सकल गे गए तदपि, और बहुत सारी स्तुतियां चलती हैं। आज की बहुत स्तुतियां बनने लग गई हैं, बहुत बन गई हैं समाज में। लेकिन सर्वप्रथम यदि स्तुतियों का इतिहास यदि हम निकालें तो समंत भद्राचार्य आद्य स्तुतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आद्य मतलब शुरुआती शुरुआती दौर में इन्होंने लिखी स्तुतियां भगवान का स्वरूप बतलाते हुए। आपको मालूम है कैसी स्तुतियां लिखी होगी? हे भगवान, आप ही तो हैं सब कुछ करने वाले, सारे संकटों को दूर करने वाले हैं, तुम बिन मेरा और न कोई है, हे प्रभु तेरे चरणों में आ पड़ा हूँ, अब तू ही मेरे नैया को पार लगा सकता है। पारस प्रभु जी तुम बिन कौन लगाए पार मेरी नैया, ऐसे ऐसे लिखे। अरे सुनो, ये जो स्तुतियां स्तुति किसे कहते हैं? यदि सच में आपको देखना हो तो इन समंत भद्राचार्य की स्तुतियों को पढ़ करके देखो, आपको पता लगेगा स्तुति किसे कहते हैं। क्या होता है स्तुति? न्याय भरा है उसमें, उस पार जो ध्रुवता की चर्चा भरी है उनमें, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, ये बातें भरी है, वस्तु की स्वतंत्रता की चर्चाएं भरी है। ये जिस स्तुति की चर्चा मैंने अभी नामोल्लेख किया था आपके सामने, गंधहस्ती महाभाष्य उसका मंगलाचरण, स्तोत्र का नाम स्तुति, काव्य का नाम देवागम स्तोत्र, आप्त मीमांसा, पता है स्तुति कहां से शुरू करते हैं? हे भगवान मैं आपका भक्त हूं, नहीं, हे भगवान मैं तुम्हें इसलिए नमस्कार नहीं करता हूं कि तुम्हारे माथे पे तीन छत्र हैं। ये स्तुति कर रहे हैं, तुम स्तुति कर रहे हो यार? स्तुति करने वाले तो बेनम्र होते हैं, हाथ जोड़ करके बैठते
स्तुति करने वाले तो महिमा बखान करते हैं। नहीं नहीं, मेरा वंदन तुम्हारे मस्तक, तुम्हारे आगे ये मस्तक ये इसलिए नहीं झुकता है कि देवलोक तुम्हारे चरणों में आकर के झुकते हैं, देवलोक तुम्हारी जय जयकार करते हैं, मैं तुम्हारा ऐसा भक्त नहीं हूं। अरे चमत्कार को नमस्कार करूं, मैं तुम्हारा ऐसा भक्त नहीं हूं। ऐसी भक्ति मेरे माध्यम से नहीं होती। देवागम नभो याने चामरादि भूत है माया विश्व भी दृश्यंते, मायावियों की भी देखता है, छल करने वाले, धोखा देने वाले, चमत्कार दिखाने वाले, जादू टोना दिखाने वाले, नजर बंद कर देने वाले, ऐसे बहुत लोग हैं, कुछ का कुछ दिखा देते हैं। ये आपकी महानता का आधार नहीं है, हमारी स्तुति कर रहे हैं भगवान। ये ऐसी स्तुतियां लिखी है, सोचो ये स्तुति पढ़ेंगे अपन आगे, इस स्तुति के 16 छंद थोड़े समय बाद में क्या स्तुति होगी, क्या चर्चा होगी। आज फिर तर्क किया था मानो समंत भद्राचार्य ने सामने खड़ा करके और साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की परीक्षा की हो। ये परीक्षा प्रधानी है भाई साहब, जैन धर्म, ये जैन धर्म देखा देखी का धर्म नहीं है, ये कहने सुनने का धर्म नहीं है। किसी ने कह दिया और किसी ने मान लिया, उन्होंने ऐसी कह दी और उन्होंने ऐसी कह दी, इन्होंने कही इसलिए मान लो, ऐसा कर लो, कुछ नहीं है। परीक्षा करो, निर्णय करो। ये समंत भद्राचार्य का जीवन ये परीक्षा प्रधानी जीवन। लोग कहते हैं जब कभी हम परीक्षा प्रधानी की चर्चा करते हैं तो लोग ऐसे मिलते हैं, अरुण जी भाई साहब जो कहते हैं बड़े आए परीक्षा करने वाले, तुम करोगे परीक्षा हैं? खुद में तो अकल नहीं, शास्त्र की परीक्षा करोगे, गुरु की परीक्षा करोगे कि सुनो भाई हम तो उस परंपरा के हैं शास्त्र और गुरु के, भगवान को भी परीक्षा किए बिना मन नहीं करें। अरहंत भगवान तक की परीक्षा करके कौन भगवान है सर? तुम भक्त भगवान की परीक्षा करोगे कि हाँ? क्यों क्यों परीक्षा की बात करते हैं? ये जैन धर्म दर्शन ये परीक्षा प्रधानी क्यों है ये बताओ हमारे को। ये जैन धर्म दर्शन परीक्षा प्रधानी इसलिए है भाई साहब क्योंकि जीवन मरण का सवाल है, भाव बिगड़ने का सवाल है। हम क्यों नहीं करें देव की परीक्षा, हम क्यों नहीं करें गुरु की परीक्षा, हम क्यों नहीं करें शास्त्र की परीक्षा? हाँ सुनो, जितने हद तक हो सकती है उतनी परीक्षा करना, क्या अभी उनके यथार्थता की परीक्षा करना, और फिर परीक्षा करने के बाद क्या करना, जब परीक्षा हो जाए कि ये परमात्मा सच्चे परमात्मा है, ये देव सच्चे देव हैं, तो फिर उनके द्वारा कही गई वाणी को श्रद्धा से स्वीकार करना। आपके द्वारा जो वचन कहे जाते हैं हे जिनेन्द्र देव, मुझे सब स्वीकार है। अब आप चाहे कर्णानुयोग की बात करो, चाहे आप चरणानुयोग की बात करो, चाहे आपने प्रथमानुयोग लिखाओ, चाहे आपने बात बताई हो कि आलू में अनंत जीव है, हमें सब स्वीकार है, क्योंकि परीक्षा हो गई कहने वाले भीतर आई है, ऐसी परीक्षा। और साहब क्यों नहीं करें परीक्षा, आप होते कौन है हमारे को परीक्षा करने से रोकने वाले? हम तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से बात को समझाते हैं। हमें बताओ, मुझे यदि हार्ट का ऑपरेशन कराना है, क्या हार्ट का ऑपरेशन कराना है मनोज जी भाई साहब मेरे को, और मेरे बगल में एक हार्ट का डॉक्टर बैठता है पड़ोस में, मैं उसको नहीं दिखा रहा, और मैं दूर जाकर के दिखाता हूँ उसको, क्या? और वो व्यक्ति घर आकर के आपके धारणा दे देंगे यार तुम तो दुश्मन हो मेरे, तुम मानते नहीं हो मेरे को, ये कोई बात हुई क्या? सुनो भैया, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी इंटेलिजेंसी पर, आपकी योग्यता पर, आपकी काबिलियत पर हमारे को कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना है, लेकिन बस मेरा मन क्या, मेरी संतुष्टि, मेरा विश्वास यहाँ नहीं। अरे दो पैसे की चीज खरीदनी होती है तो अच्छी दुकान तलाशता है क्या? 200 रुपए का कपड़ा सिलवाना होता है तो अच्छा दर्जी तलाशता है? किसी के भी हाथ में अपना कपड़ा नहीं दे देता, ये सूट का कपड़ा बिगाड़ देगा, ये कुर्ते का कपड़ा बिगाड़ देगा, इसको मत दे देना हमारी आदमी के हाथ में। बोलो, हर जगह पर जब हम निर्णय करने की बात करते हैं और उस निर्णय का पूरा पूरा अधिकार हमारे पास में है, तो फिर ये धर्म का क्षेत्र ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारा मस्तक कहाँ झुकेगा और कहाँ नहीं झुकेगा, इसका निर्णय करने वाले आप कौन होते हैं? सुनो,
एक दर्जी यदि गलत के हाथ में दे दिया तो एक कपड़ा बिगड़ेगा और क्या बिगड़ेगा, बोलो। सूट यदि किसी गलत व्यक्ति को दे दिया और उसने यदि गलत सिल दिया तो एक कपड़ा ही बिगड़ेगा ना, 200 500 2000 रुपए बर्बाद चले जाएंगे, इतना ही तो होगा। लेकिन यदि ये जैन दर्शन, ये तत्व ज्ञान, ये वितरागियों की वाणी, ये सर्वज्ञ परमात्मा, ये तीन लोक के नाथ, यदि देव के स्वरूप के संदर्भ में निर्णय में गड़बड़ी हो गई, परीक्षा में गड़बड़ी हो गई और गलत जगह पर ग्रहित मिथ्यात्व में हमारा माथा झुक गया, तो सुनो, ये सिर्फ वर्तमान का नहीं है, 2 मिनट का चक्कर, जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएंगे, बहुत बिगड़ जाएंगे भाई साहब। गलत डॉक्टर को दिखाता है, गलत डॉक्टर को आंखों का ऑपरेशन करा लिया, आंख ही फूट गई, एक ही आंख फूटी है ना, क्या क्या होगा। गलत व्यक्ति से घुटनों का ऑपरेशन करा लिया, क्या तो घुटने ही खराब हो गए, क्या चल ही नहीं पाए, कोई बात नहीं, जान तो नहीं गई। एक गलत व्यक्ति से ऑपरेशन, अरे क्या किया साहब, वो इतना अनाड़ी था, उसने पेट में ही कैंची छोड़ दी और पता नहीं क्या, और ऑपरेशन पे ऑपरेशन और 2-3 हो गए और क्या हो गया और जान चली गई, कोई बात नहीं, एक ही जीवन बिगड़ेगा ना, भाव भाव बिगड़ते हैं। ये भाव के अभाव के निर्णय का सवाल है, हम क्यों नहीं करें निर्णय, बोलो आप क्या चाहते हैं। व्यक्तिगत निर्णय का सवाल है ना ये, तो किसी को ऑब्जेक्शन होता है, तुमने इस मिठाई वाले की दुकान से मिठाई क्यों नहीं खरीदी, वहां से जाकर के क्यों खरीदी की, भाई तो सबका अपना अपना निर्णय है, यहां से क्यों खरीदूं, वहां से क्यों खरीदूं, बोलो साहब। ये साहब चौराहे पर दुकान होती, इतनी दुकानें छोड़कर, लाइन से परचूनी की दुकानें हैं, उसकी दुकानें सारी छोड़ने के बावजूद, हजारों दुकानें छोड़ करके आप उस दुकान पर जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो ये दुकान वाले आपको ऑब्जेक्शन करें, करो तो करो साहब, मैं तो उसी से खरीदता हूँ, मैं तो मेरा तो विश्वास उसके ऊपर बैठा हुआ है, विश्वास का मामला है, श्रद्धा का मामला है। ये समंत भद्राचार्य ऐसे परीक्षक आचार्य, हम उनके शिष्य हैं, हम उस परंपरा के शिष्य हैं, देव की परीक्षा कर रहे हैं। वीतरागी जैन शासन के अलावा अन्य किसी के भी आगे हमारा मस्तक नहीं झुकेगा। नमन किसको, जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, तेरी श्रद्धा में प्राणों को तजी जाएंगे। बोलो आप, तेरी श्रद्धा में, ये जिन धर्म की श्रद्धा, इसको नमन है हमारा। वीतरागियों की वाणी को नमन है। वीतरागी जिनेंद्र देव के बतलाए हुए कदमों पर चलने वाले ऐसे वीतरागी संतों के चरणों में नमन है। लेकिन जहां राग मिला दिया गया हो, न रागी देव को नमन है, न रागी गुरु को नमन है, और न ही राग मिश्रित वाणी को नमन है। वे शास्त्र, जो शास्त्र राग बढ़ाने वाले हों, जो विषय कषाय का पोषण करने वाले हों, वे शास्त्र शास्त्र नहीं शस्त्र के समान हैं। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाम, ऐसा दौलत राम जी कहते हैं। ये समंत भद्राचार्य की स्तुतियां पढ़ करके तो देखो भाई साहब, कमाल कर दिया है इन्होंने। ये क्या आचार्य हैं, ये कैसे आचार्य हैं, जो तीर्थंकर परमात्मा को सामने खड़ा करके कहते हैं, मेरा मस्तक तुम्हारे सामने इसलिए नहीं झुकता। और सही बात है। और पता है क्या हुआ, जबरन उनका मस्तक झुकाने की चेष्टा भी की गई तो उन्होंने कह दिया, सुनो तुम जबरन मेरा मस्तक झुका तो दोगे लेकिन झेल नहीं पाएंगे। समझ क्या रखा है तुमने, ये घटना घटी उनके साथ में लाइफ में। वीतरागी संत विचरण करते थे, उनको भस्मक व्याधि नाम का रोग हो गया, एक ऐसी बीमारी हो गई। बीमारी होती है तो डॉक्टर की शरण में नहीं जाते मुनिराज, कोई भी समस्या हो मुनिराज जाते हैं आचार्यों की शरण में, अपने आचार्य की शरण में चले गए। भस्मक व्याधि, व्याधि ऐसी जो भस्म कर देती थी, जो खाओ पेट में जाते ही भस्म हो जाता था, फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए, भूख शांत नहीं होती थी, ऐसी पीड़ा।
ऐसी वेदना होती थी, भूख शांत नहीं होती थी, पीड़ा होती थी अंदर में, तड़पन होती थी अंदर में, क्या करें। आहार के लिए जाते थे और ऐसी स्थिति हो जाती थी कि मैं और खाऊं, मैं तो और खाऊं। अभी अभी मुनि तो 32 ग्रास से ज्यादा भोजन लेते नहीं, क्या करें। ऐसी परिस्थिति को देखकर, ऐसी स्थिति को देखकर समंत भद्राचार्य ने अपने आचार्य श्री से निवेदन किया, ये मुनि भूमिका के योग्य नहीं। अब इस रोग की स्थिति में मैं इलाज जो होगा वो कराना पड़ेगा, और मैं इलाज करा नहीं सकता, हम तो दिगंबर संत हैं, मुझे तो अब संलेखना और समाधि मरण की आज्ञा प्रदान कीजिए, मैं अन्न जलादि का त्याग करता हूँ और समाधि की ओर प्रस्थान करता हूँ। क्या कहा आचार्य देव ने कि नहीं, तुम जैसे शार्दूल विक्रीड़ित वादियों का खंडन करने वाले, कुमत का के ऊपर प्रहार करने वाले ऐसे महान दिग्गज व्यक्तित्व के धनी आचार्य देव जानते थे उनकी योग्यता को, कि नहीं ये समय नहीं है, तुम्हारी है एक काम करो, दीक्षा का छेदन करो, वापस गृहस्थ अवस्था अंगीकार करो, कपड़े धारण करो, इलाज करवाओ और पुनः दीक्षा लेना। यही किया उन्होंने, दीक्षा छोड़ी, मुनि पद छोड़ा, गृहस्थ हो गए। कैसे उपचार कराएं, कहां उपचार कराएं, बिना पैसे के बिना कौन कैसे क्या उपचार करेगा, नौकरी करने लगे, काम करने लगे। जिधर से गुजर रहे थे महादेव जी के मंदिर से, वहां बहुत चढ़ावा देखा, राजा शिवकोटी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, सुनते हैं ऐसा ही मायाचारी की छल किया उन्होंने, गुणस्थान चौथा हो गया, छठे सातवें गुणस्थान से गिर करके नीचे आ गए। जो भी परिस्थितियां बनी हो, लेकिन कहानी इस तरह की सुनते रहे हैं हम, राजा से कहा महाराज ये जो आपके लोग हैं ना, ये भगवान को कुछ खिलाते ही नहीं है, भूखे हैं, चालीस चालीस मन लड्डू चढ़ाते हो और खुद बांट करके खा जाते हैं, इनको तो कुछ खिलाते ही नहीं है आपके भगवान को। बोले क्या बात करते हो, भगवान भी खाते हैं कि मैं खिला सकता हूँ, लेकिन खिलाऊंगा अकेले में, गेट बंद करके। अब फिर क्या होना था, ठीक है, चालीस मन किसे कहते हैं, क्या दस 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 बीस बीस पचास पचास मन चढ़ावा चढ़ता था, कोई कोई संभव ही नहीं है साहब, कोई व्यक्ति खा जाए, और दरवाजा बंद, और दरवाजा बंद करके सब फटाफट घंटे आध घंटे में, और दरवाजे खुले तो सब खिला दिया। और एक दिन दो दिन तीन दिन महीनों तक ये रूटीन चलता रहा, लेकिन जो लोग थे ना जिनके ऊपर उंगलियां उठने लगी थी ये खिलाते नहीं है, उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की, ये होता क्या है, अरे चक्कर क्या है, ये होता क्या है, दरवाजा बंद करके आखिर ये सारा माल जाता कहां है। तो जब उन्होंने जांच पड़ताल की और छिप करके देखा तो पता लगा कि ओहो जो कोई ढोंगी बाबा दिखता है, खुद खा जाता है। काफी समय हो गया, रोग भी शांत होने लगा था और लड्डू भी बचने लगे थे, ऐसी समस्या शिकायत उनकी हुई राजा के सामने, ये साहब ये तो नमस्कार ही नहीं करते, ये तो मानते ही नहीं है, ये तो इनका भक्ति नहीं है, ये तो खुद खा जाते हैं। राजा के सामने शिकायत हुई, इस तरह की सारी बातें सामने आ गई। और फिर क्या हुआ सबको पता है, बनारस नगर और वो क्षेत्र उस मंदिर में के बाहर राज दरबार सारे लोग खड़े हैं और राजा वहां खड़ा हुआ है, और समंत भद्र आचार्य से कहता है, उन व्यक्ति से कहता है कि तुम कौन हो, सबसे पहले तो जो तुम अपमान किया है तुमने हमारे परमात्मा का, जो सामने बैठे हुए हैं, जो पिंडी जो दिखाई दे रही है शिव जी की, आप वंदन करो सबसे पहले तो श्रद्धा से इनके आगे। पता है क्या कहते हैं समंत भद्राचार्य, मत करवाओ मेरे से, झेल नहीं पाएगी क्या, मेरा नमस्कार झेल नहीं, क्या बोलता है, नहीं नहीं झेल नहीं पाए, अरे तेरे से जो कह रहे हैं वो काम कर, स्तुति करना शुरू किया सब समंत भद्राचार्य ने, स्तुति लिखी उन्होंने, और जो स्तुति लिखी 24 तीर्थंकरों की स्तुति समंत भद्राचार्य देव की, उस स्तुति को लिखते समय लिखे वचनात्मक रूप से जो उनके मुखारविंद से जो रचना होती गई
आंखें बंद है और जिनेंद्र देव का स्मरण करते जा रहे हैं और स्तुति करते करते रचना होते होते सहज वचनों से रचना होते होते जैसे ही 24 तीर्थंकरों की स्तुति के दौरान चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति होने लगी और उस स्तुति करते करते एकदम उनके जवान से जब शब्द निकले नमः चंद्रप्रभ देवाय, ऐसे ऐसे चंद्रप्रभ भगवान के लिए जैसे ही वंदन हुआ और हाथ जोड़ करके उनका मस्तक झुका, सामने से वो शिव पिंडी फट गई और चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हो गए। ये घटना ऐतिहासिक घटना 2000 वर्ष पुरानी और आज भी वहां बनारस में वो मंदिर वो फटे महादेव जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और वो शिव पिंडी वहां फटी हुई है, वो मंदिर वहां प्रसिद्ध है, लोग जाते हैं। वो थे अपने देख करके आए थे मूंछों वाले एलाजी। ये ऐसे संबंध भद्राचार्य ऐसी स्तुति, बोले मस्तक नहीं झुकेगा तो नहीं झुकेगा किसी के आगे, किसके आगे मस्तक झुके हमारा, क्यों झुके, श्रद्धा ऐसी श्रद्धा वहां। हाँ वो चंद्रप्रभ भगवान की मूर्ति ऐसा सुना है मैंने शायद कि वहां से फिरोजाबाद या कहीं और आ गई है, नहीं वो बह करके आई थी वो जो प्रतिमा जो थी ना, फिर वो प्रतिमा वहां से फिर वो बह गई, वो फटा हुआ वो तो वहां है, प्रतिमा वहां नहीं है, फिर वो मंदिर से वो स्फटिक की प्रतिमा चंद्रप्रभ भगवान की वो जो बहती हुई चले गई बहा दी गई, जो कुछ भी हुआ हो वैसे, यद्यपि बाद में फिर राजा ने भी वो जैन धर्म अंगीकार किया और जैन बन गया राजा भी, उसने बहुत सारे जैन मंदिर बनाए, दीक्षा ली, सब कुछ हुआ, बहुत सारे जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत हुआ उसके बाद में, लेकिन षड्यंत्र के तहत वहाँ से उन प्रतिमा को हटा लिया, बहा दी गई होगी जो भी है, वो प्रतिमा घूमती फिरती हुई ऐसा सुनते हैं कि वो अभी फिरोजाबाद में है, वहाँ से घूमती फिरती हुई वहाँ पहुँच गई बहती हुई, वो नदी में से निकली है और वहाँ है, तो दर्शन किए हैं हमने भी किए हैं। देखिए क्या कहते हैं ये, ऐसे आद्य स्तुतिकार समंत भद्राचार्य, स्तुति इनकी प्रसिद्ध है, आपने स्तोत्र साहित्य को प्रौढ़ता प्रदान की, आपकी स्तुतियों में बड़े बड़े गंभीर न्याय भरे हुए हैं, आपके द्वारा लिखा गया आप्तमीमांसा ग्रंथ एक स्तोत्र ही है जिसे देवागम स्तोत्र भी कहते हैं, वह इतना गंभीर एवं अनेकांतात्मक तत्व से भरा हुआ है कि उसकी कई टीकाएँ लिखी गई उस स्तोत्र की, उस स्तुति की, देवागम स्तोत्र की, जो कि न्याय शास्त्र के अपूर्व ग्रंथ हैं। अकलंक आचार्य की अष्टशती, विद्यानंदी आचार्य की अष्ट सहस्त्री इसी की टीकाएं हैं और ये जो चर्चा हम चेन्नई से मद्रास यूनिवर्सिटी से जब परसों लौट करके आएंगे तो उसके बाद चर्चा करेंगे इस पाठ की, ये प्रस्तुत पाठ, ये चार अभाव नामक पाठ उक्त आप्तमीमांसा की कारिका 9, 10 व 11 के आधार पर ही लिखा गया है। इसके अलावा आपने तत्वानुशासन, युक्त्यानुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, जिन स्तुति शतक, रत्नकरण श्रावकाचार, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्रावृत टीका और गंधहस्ती महाभाष्य जो कि अप्राप्त है आदि ग्रंथों की रचना भी की है। ऐसे समंत भद्राचार्य जो कि हमारे वास्तव में श्रद्धा के श्रद्धेय हैं, ऐसे महान वितरागी संत, इनका परिचय हमने आज यहाँ पढ़ा है। हम समंत भद्र आचार्य के द्वारा बतलाए गए पथ का अनुसरण करें, उनके द्वारा बतलाए गए स्तुति साहित्य को आदर्श मानकर वैसी स्तुतियों में अपने चित्त और अपने उपयोग को लगाने का प्रयास करें, उनके द्वारा लिखे गए रत्नकरण श्रावकाचार नामक ग्रंथ का आद्योपांत अभ्यास और अध्ययन करते हुए एक श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, उस तरह के जीवन को अपने जीवन में आत्मसात करें, ऐसे समंत भद्राचार्य के परिचय को हम आज पढ़ करके अपने आप को बहुत अधिक गौरव का अनुभव कर रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं समंत भद्राचार्य देव को कि आपकी वाणी का अनुसरण करते हुए हम जिन धर्म से रंच मात्र भी विमुख नहीं होंगे, चाहे प्राणों की बाजी हमें देनी पड़े, लेकिन फिर भी ये जिन धर्म की आन बान और शान में आंच नहीं आने देंगे। शेष चर्चा।